5 मिनट में आपका कश्मीरी राजमा बनाने की बता रही हूँ। आप फटाफट, अब ये तेल डाल दिया है, तेल डालने के बाद आप इसमें जीरा डाल दीजिए। अब जीरा डालने के बाद आप इसमें हरी मिर्ची डाल दीजिए, हरी मिर्ची डाल दीजिए और हरी मिर्ची के बाद आप इसमें आप टमाटर को पीस के डाल दीजिए। टमाटर बगैर लहसुन और बगैर प्याज के है ये, बगैर अदरक और लहसुन के। जल्दी और फास्ट बनने वाला इसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए और फिर आप इसको हिला दीजिए। और आपको अगर बहुत अच्छा बनाना है टेस्ट में तो आप इसमें थोड़ा सा दूध को ऐड कर दीजिए। दूध को आपको पनीर जैसा टेस्ट आएगा इसके अंदर। अगर आप ग्रेवी में बनाते समय अगर थोड़ा सा दूध डाल देते हो तो पनीर के जैसा आपका टेस्ट बन जाएगा इसके अंदर। ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन जाएगी इसके अंदर। और अब इसको आप धीरे धीरे हिलाते रहिए और पकाइए इसको। और अब इसमें नमक डाल दीजिए आप 2 चम्मच। 1 चम्मच हमने कुछ नमक हमने राजमे में डाल रखा उबलते हुए। जब अब हमारा ये मसाला पक गया है और अब देखो इसको ऑयल छोड़ दिया इसने, ये तरी बन गई है तैयार। और अब हम इसमें राजमा डाल देते हैं। कश्मीरी जम्मू का जो राजमा होता है रेड, ये छोटे वाला राजमा देखो ये उबाल रखा और देखो इसकी मलाई जैसा देखो कैसे हो रहा है। और अब इस ग्रेवी को मिलाओ देखो आप। अगर इसमें आप खड़े मसाले डाल देते हो या कुछ भी डालते हो, ये इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला इसमें। अगर आप इसमें खड़े मसाले डालते हो तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ही आती है इसके अंदर और बहुत बढ़िया बनता है ये। देखो देखो देखो। और अब आप इसको एक सीटी लगवा दीजिए इसमें ताकि जो हमारा मसाला है ग्रेवी थी वो मिक्स हो जाए अच्छे से इसमें। हम इसको और 1 विसल लगा देंगे। आपका 5 मिनट में राजमा तैयार। देखो जो हमने ये राजमा जिसमें तड़का दिया था राजमे में, ये राजमा देखो कितना अच्छा बना है। अब ये हम सर्व कर रहे हैं। देखो देखिए अब इसमें ये आप इसमें थोड़ा गार्निश के लिए धनिया डाल दीजिए और फिर देखिए आप कितना अच्छा। आप ये जल्दी से जल्दी बना सकते हो, 5 मिनट में बना सकते हो। ये अब तैयार है हमारा राजमा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।